जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आप पे सारे एजेंसियां पीछे पड़ेंगी, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोषमुक्त हो जाइएगा, आपका सारा पाप धुल जाता है। और ऐसा सेवरल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही ख़त्म हो जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद, तो ये तो अद्भुत है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जो लोग 400 पार की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं से जो है 200 250 के अंदर ही जो है वो लोग सिमट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता जो है उठ चुकी है, जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो जो है गठबंधन के पक्ष में भारी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो लोगों का विश्वास और भरोसा जो है इंडिया अलायंस पे बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। आपके यात्रा पर सम्राट चौधरी जो है कटाक्ष, जदयू ने भी यात्रा को जो है ग्राहक को जो यात्रा बताया है, नीरज कुमार क्या कहिएगा? तो क्या बताएंगे लोग, ग्राहक को जो यात्रा बताया तो लोग क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री जी तो कभी संवाद करते हैं नहीं, अच्छा होता मुख्यमंत्री कम से कम जनता से नहीं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर लेते। कहीं भी कोई योजना भी होती है तो उसमें भी भाषण देना बंद हो गया, अब तो कोई कार्यक्रम, अब तो चार लोग हैं उन्हीं के आगे पीछे वो घूमते रहते हैं, बंद कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? तो देखिए, कटाक्ष हो गाली हो, जिनको जो देना है वो देते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी है, जो अपना काम है, उसको तो हम करते रहेंगे। और कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, घर में घुस के गोली मार दी जा रही है, मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो चुका है, आप देखिएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक हो थाना हो लगातार जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। सर्वे की बात की जा रही है, उसमें भी बड़ा शिकायत आ रहा कि उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, तरह तरह की बातें हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो चुप है, हर एक मुद्दे को लेकर के चुप रहते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था उसको 9वीं सूची में डालने का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, तो वो उनकी पार्टी जो करे करे, लेकिन हम लोग जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। और हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किया वो आज तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे तालमी मरकज हो, या आपके टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने जो है मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया, आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, नियोजित शिक्षक जो कई सालों से आंदोलन कर रहे थे उनको हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किए जो किसी से छुपा नहीं है, और केवल मात्र 17 महीने में। तो हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं, कुछ लोगों का दिलचस्पी जो है कुछ ना कुछ, अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, नहीं निकलेंगे तो बोलेंगे, निकलेंगे तो बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो लोगों को तो बोलना काम है, बोलते रहे।